मिलते हैं आपसे। अरे भैया क्या है, आज सुबह काफी ज्यादा लेट आया, सुबह 6 बजे मैं घर पे आया एंड सुबह थोड़ा टाइम सो गया था, तो सो के मैं उठ भी गया था, ज्यादा सोया भी नहीं एंड एडिटिंग वगैरह जो सब कुछ खत्म कर लिया है, लंच वगैरह सब कुछ मतलब काम हो गया, अभी खाली शूट करने के लिए निकलना है बाहर। एंड आज हमारे साथ जाएगा सुमिल, वो हमको बताएगा बहुत सारे गणपति आसपास के, उसको बहुत सारे पता है गणपति, तो वो हमको लेके जाएगा आज। आज है 9th डे, तो आज मेरे ख्याल से थोड़ी थोड़ी जगह पे गर्दी हो सकती है, तो कोशिश करेंगे आपको बहुत अच्छे से दिखाएं, बहुत अच्छे अच्छे गणपति दिखाएं। एंड सारा डेटा वगैरह जो है मैंने अभी ट्रांसफ़र कर लिया है, स्टोरेज थोड़ा सा बना लिया है ताकि अगर थोड़ा सा ज़्यादा अगर शूट हो आज तो प्रॉब्लम ना पड़े। और फिलहाल के लिए जाते गाइस चैलेंज वगैरह करते हैं, उसके बाद फटाफट से निकलते हैं दर्शन के लिए। ओके सो गाइस अभी हम लोग निकले हैं, हम लोग अभी जाने वाले हैं चेक नागा साइड वहाँ के गणपति देखने के लिए। वहाँ के आधे गणपति देखे हुए आधे नहीं देखे हुए, तो जो नहीं देखे हुए हैं वो हमें सुमिल बताएगा, तो इंट्रोड्यूस करा देता हूँ आपसे। ये रहा सुमिल, ये गणपति का बहुत बड़ा भक्त है एंड इतने गणपति इसने अभी तक चेकआउट कर लिए हैं कि मैं क्या बताऊँ। तो अभी चलते हैं फटाफट से, जाते चेक नागा, देखते हैं कौन सा गणपति देखने मिलता है। चलो
गाइस आपने प्रसाद वगैरह बहुत खाया रहेगा प्रसाद में। अरे बाप रे, कौन प्रसाद वगैरह बहुत खाया रहेगा प्रसाद में। कभी आपने चाय पी है? तूने पिया कभी प्रसाद में चाय? तू तो लाल बाग भी जाके आया है। हमको प्रसाद में चाय मिला भाई, चीयर्स करो भाई सिस्टम। चीयर्स। हाँ हाँ, कड़क भाई, खतरनाक चाय। ओके सो गाइस, बहुत ज़्यादा आज तो इतने गणपति के दर्शन कर लिए, मैं क्या बताऊँ। और लिटरली टाइम देखो आप कितने बज रहे हैं, 8:30 बज रहे हैं। हम निकले हैं तकरीबन 6 बजे से एंड अभी 8:30 बज रहे हैं। अभी भी हम घर नहीं जा रहे, अभी भी एक और गणपति देखने जा रहे, वो है मुलुंचा मोरिया, जिसका प्लान मैंने सबसे पहले किया था। मतलब सबसे पहले वहाँ जाना है, जिसका प्लान किया था सबसे पहले वहाँ जाना है, वहाँ सबसे लास्ट में जा रहे हैं हम अभी। तो मुलुंचा मोरिया 19 फुट बहुत प्यारी गणपति है। इसमें मेरे को फोटो में बताया, मैं जब से हम निकले ना घर से बाहर, तब से मैं इसको एक ही चीज़ बोल रहा हूँ कि मेरे को भाई सबसे पहले वही दिखा। ये बोलता हाँ ठीक है, देखते और सबसे लास्ट में हम वहीं जा रहे हैं, वही गणपति देखने जा रहे हैं। उसके बाद सीधा निकलेंगे घर के लिए, क्योंकि भाई स्टोरेज का इशू कभी भी दे सकता है, मेरे को डर लगता है। अभी भी शूट हो रहा है कि नहीं? हाँ अभी तो शूट हो रहा है। खैर कोई नहीं, अभी देखते हैं मुलुंचा मोरिया, देन उसके बाद सीधा निकलते घर के लिए। अभी घर पहुँचते हमको 9 बजेगा, तो फटाफट से जाते हैं मुलुंचा मोरिया देखते हैं, फिर उसके बाद मिलते हैं आप। अरे भैया क्या भाई मारी दे। हाँ तो चलते हैं मुलुंचा मोरिया। सो हम गाइस, हम लोग कहाँ देखने जा रहे थे? मुलुंचा मोरिया देखने जा रहे थे, बट रस्ते में हमको एक और मंडल मिल गया, तो वहाँ पर हम लोग दर्शन करना है। और मूर्ति आप देखो यार, मूर्ति छोड़ो, डेकोरेशन आप देखो, देखो मेरे पीछे डेकोरेशन, देखो डेकोरेशन भाई साहब, जितना सिंपल उतना ही प्यारा। और ये ग्रुप का नाम क्या है? निर्मल ग्रुप समथिंग, निर्मल इंटरेस्ट की समथिंग ग्रुप, ऐसा कुछ नाम है। और इतना प्यारा है, मैं दिखाता हूँ आपको सिनेमैटिक शॉट्स, मैंने अभी तक लिए नहीं है, मैं अभी लूँगा, मैं लेता हूँ फिर दिखाता हूँ। पहले प्रसाद दे दो भैया, धन्यवाद। हम ले जाए सिनेमैटिक शॉट्स। ओके सो गाइज, फाइनली जिसका दर्शन करने थे, बहुत मुश्किल से उसके दर्शन हुए। हम लोग निकल गए थे कोई गलत जगह पे एंड वहाँ से घूमते घुमाते इतना सारे जन को पूछते हुए, एक एक मंडप के पीछे घुसते हुए, हर एक मंडप में घुसने, जो यहाँ 20-20 फुट का मंडप है ना, हर मंडप में घुस जाते थे, देखते थे वो मूर्ति है कि नहीं। एक्चुअली मुलुंचा मोरिया, दो जगह का मूर्ति का नाम मुलुंचा मोरिया है, तो हम लोग एक गलत जगह चले गए थे वहाँ पे, तो उसने बोला कि ऐसा है, यहाँ जाओ, लाइट जाओ, लेफ्ट जाओ, ऐसे जाओ, वैसे जाओ। गलती से सही जगह पे पहुँचे एंड यहाँ पे दर्शन किए, इतना धुआं कर रखा था भाई साहब, देख के मैं जो नाचा हूं ना, ये मैं बोला पहले तू भाग और पहले मुझे मूर्ति देख कि वही मूर्ति है कि नहीं जो हमको देखना है। तो ये भागा और ये बोला मैं बोला रहे भाई साहब, मतलब पहुंचे एटलीस्ट, जहाँ के लिए निकले थे वहाँ पहुँचे। तो फाइनली गाइज, हमको जहाँ का दर्शन करना था वहाँ का हो गया। मैं सोच रहा हूँ इस ब्लॉग को एंड कर दूँ, क्योंकि अगर मैं और शूट करूँगा तो ये ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा खींचेगा एंड बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेगा। चलो खैर कोई बात नहीं, बिल्डिंग पहुँचते, बिल्डिंग में जाके ब्लॉग को एंड करते हैं। चलो तो गाइज, फाइनली बिल्डिंग में एंटर हुए हैं अभी एंड अभी टाइम हो रहा है 9:15। अनुमान लगाया था मैंने कि इतने बजे तक पहुँचेंगे करके। तो गाइज, एक और इंसिडेंट मेरे को बताना है आपको। मैं अभी जब यहाँ पर पहुँचा तो मेरे को सोमिल ने बताया कि अरे हाँ तेरे को ये शूट करने का था, तो मैं दिमाग से निकल गया था। एक्चुअली हम वहाँ गए थे ना, इंडस्ट्री वगैरह एरिया था ना,
तरुण ऐसे समथिंग इंडस्ट्री वगैरह में गया था ना, जहाँ मैंने आपको बताया कि डेकोरेशन बहुत अच्छा है। वहाँ पे क्या हुआ कि एकदम से मैं शूट कर रहा था, एकदम से लड़का एक पीछे से आया, बच्चा आया, हाथ मिलाया, वैसे बोलते हाथ हेलो भैया, हाथ मिलाया और फिर भाई वो मेरा पैर छूने लग गया। और भाई मैं इस टाइम पे क्या करूं, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ कि कोई मेरा पैर छू रहा है, मतलब कोई स्ट्रेंजर आ गया मेरा पैर, भगवान हो गए, कोई वैसा स्ट्रेंजर आया पैर छू रहा। तो मैं बोला कि अरे अरे अरे, मैं ऐसा था कि मैं कौन, मेरा माइंड प्रिपेयर ही नहीं था उसके लिए। तो मैं बोला कि अब मैं करूं क्या, इसको आशीर्वाद दूं, नहीं नहीं बोलूं कि सॉरी बोलूं कि मैं ही इसके पैर छूं। ओ भाई साहब, वहां मैं बोला कि अब मैं करूं क्या इसमें अभी। तो मैंने बोल दिया कि ऐसे ऐसे कर दिया मैंने, और उसको कितना ऑकवर्ड लगा रहेगा लड़के को कि भाई ऐसे क्यों किया भाई, मैं तो पैर ही छू रहा हूं, ऐसे क्यों किया। उस टाइम में समझ में ही नहीं आया मेरे को, तो मैं बहुत वियर्ड सा रिएक्शन दिया, अलग भी था। और मेरे को सब्सक्राइबर कितने मिले, हां तो 4-5 ऐसे मिल गए। अरे सब्सक्राइबर कितने मिले भाई, से सीधा हाथ आता ऐसे करके, हेलो हेलो, बोला हाँ हेलो हेलो, बोलते सनी राणा ब्लॉग्स, बोलते हाँ। अरे 2-3 दिन से यही हो रहा भाई, मेरे रात को मैं मंडप में बैठा था, एक बंदा आया मेरे को देख के हंसने लगा ऐसे करके, मैं भी हंसा उसको देख के, बोला ठीक है हंस रहा है, मैं भी हंस दिया। तो बोलता है सनी ब्लॉग्स है ना, कल हुआ था सनी ब्लॉग्स, सनी राणा ब्लॉग। और फिर वो जाते जाते हाथ ही दिखा रहा था, कल नाइट मार रहा था ना नाइट में, तब ऐसा सनी राणा ब्लॉग, बोला अरे भैया ऐसा बहुत मिला भाई बहुत। हम लोग यहाँ पे निकले थे ना ओम ग्रुप के लिए भी निकले थे ना, तभी भी ऐसा हुआ था, एक बंदा सामने से आता है, पेरेंट्स के साथ आ रहा था सामने से, छोटा सा था, बोलते सनी ब्लॉग्स सनी ब्लॉग्स, मैंने बोला हाँ हाय। फिर मैं भी अटेंशन देता हूँ, पूरा अटेंशन देता हूँ, हेलो हाय कैसे हो, तो गाइस फाइनली घर पे आ गए। इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड कर देता हूँ, मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। कल मेरे ख्याल से मंडप का सब जगह का विसर्जन है, कुछ लोग आज विसर्जन कर रहे हैं, कुछ लोग कल हैं, अब जो भी डिपेंड करता है क्या है क्या नहीं, अब लोगों की सोच वैसे। तो इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करता हूँ गाइस, कल के ब्लॉग में आपको मिलेंगे, कल के ब्लॉग में और आपको दिखाएंगे। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर न्यू चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री राम। अभी तो